नमस्कार, आप देख रहे हैं अंधेशक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंधेशक न्यूज़ पर लेकर हाजिर आज की ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़, जो कि इस समय अंधेशक और शिक्षा मित्रों में सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है और देखी जा रही है। साथियों, यहां पर समाचार आ रहा है, अंधेशक और शिक्षा मित्रों को समय पर मिलेगा मानदेय। जी हाँ साथियों, लगातार मानदेय को लेकर समस्याएं रहती थी। कभी भी अंधेशक और शिक्षा मित्रों को या जो मानदेय कर्मी हैं उनको समय पर मानदेय नहीं मिल पाता था। उसके लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है, उसके लिए अब तैयारी कर ली गई है पूरी। समाचार लखनऊ से है, शिक्षा मित्र व अंधेशकों को अब मानदेय के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्हें खंड शिक्षा अधिकारी व विशेष शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब उनके मानदेय भुगतान की प्रक्रिया 10 तारीख तक पूरी हो जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी की ओर से ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बड़ा समाचार, बड़ी खुशखबरी साथियों, कर्मियों को मानदेय देने की यानी मानदेय जारी करने की समय सीमा तय कर दी गई है। शिक्षकों को समय से वेतन भुगतान के लिए तिथि निर्धारित करने के क्रम में सर्व शिक्षा अधिकार के अंतर्गत शिक्षा मित्र अंधेशक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कर्मियों के लिए भी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। राज्य परियोजना निदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने सभी विशेष शिक्षा अधिकारी व वित्त एवं लेखा अधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिलों में कार्यरत संविदा कर्मियों व सेवा प्रदाता कर्मियों को समय से मानदेय भुगतान किया जाएगा। इसके लिए जारी की गई समय सीमा सारणी के अनुसार शिक्षा मित्र अंधेशकों का खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रधान अध्यापक से उपस्थिति प्राप्त कर मानदेय बिल हर माह 1 से 3 तारीख तक तैयार किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा मानदेय बिल भुगतान जिला परियोजना कार्यालय को 4-5 तारीख को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। जिला समन्वयक प्रशिक्षण द्वारा मानदेय बिल का परीक्षण कर सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी एवं VSA को 6 तारीख को प्रस्तुत करना होगा। वहीं सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा बिल को PFMS पोर्टल पर अपलोड करके भुगतान बैंक में हस्तांतरण के लिए 7 से 10 तारीख तक भेजना होगा। इसी के साथ में रिसोर्स एवं इंटीनेंट शिक्षकों का मानदेय 4 से 5 तारीख तक, सेवा प्रदाता कर्मियों का 5 से 7 तारीख तक व कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कर्मियों का मानदेय 5 से 6 तारीख तक जारी करने की तिथि निर्धारित की गई है। तो साथियों, ये रहा मानदेय से संबंधित समाचार, जिसमें अब कोई लेट लतीफ़ी नहीं चलेगी, कोई लापरवाही नहीं चलेगी। समय से 10 तारीख तक भुगतान करना होगा मानदेय कर्मियों का। तो साथियों, ये थी अब तक की खास खबर। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और आप रहें हमारी हर खबर से रूबरू। साथियों, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।